sedih? Ya kan? Yes. Okay. मैम आपकी टीजर आ चुकी है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. विद इन टू डेज 10 मिलियन व्यू मिल चुका है. तो कैसा एक्साइटेड कैसा फील है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है, इतना प्यार दिया है, इतना अप्रिसिएशन वीडियो के लिए. और हम लोग सोच ही रहे थे कि एक ऑलमोस्ट एक 5 मिनट फिल्म की तरह बनाएंगे. और लवली ने जो लवली सिंह जो डायरेक्टर है उन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट बनाया है इज़ नॉट लाइक द रन ऑफ द मिल वीडियो जो आप देखते हो, यू नो, बॉय मीट्स गर्ल रोमांस ऑन द बीच टाइप्स. इट्स रियली हार्ड हिटिंग. एक सोशल मैसेज भी है, ऑलमोस्ट ट्रेंड सेटिंग वे, जहाँ यू नो देयर्स अ पोस्टर, देन देयर्स अ टीज़र, देन देयर्स अ सच अ इंटेंस स्टोरी वीडियो में कि ऑलमोस्ट लोगों को लग रहा था कि मूवी है, यू नो. तो आई एम रियली हैप्पी कि लोगों ने इतना प्यार दिया है. ये वीडियो एक वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन ट्रैफिकिंग के ऊपर है. तो देखा जाए तो अभी वुमेन ट्रैफिकिंग डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं इंसेंस ऑफ डिक्रीजिंग, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली इट्स अ टॉपिक जिसके बारे में हम जितना भी बात करेंगे वो कम ही होगा. इतना डिप्रेसिंग, ट्रैजिक, ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल है कि लोगों का लाइफ भी ऐसा होता है और हम इतनी कम्फर्टेबली ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ऐसे लोग हैं. वुमेन children also are thrown into the sex trade and it's just traumatic aisi cheeze sochna bhi. So I think awareness spread karna is the least you can do as an actor and or a director or a cinematographer or a singer. Har insaan jo project ke sath involved hai, I think is trying to do whatever little they can via their entertainment at least to bring out सम सोशल मैसेज. एंड आई थिंक अगर इन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे तो अवेयरनेस स्प्रेड होता है, दैट हेल्प्स. लवली सिंह के साथ इसके पहले भी आप काम कर चुके हैं और ये सेकंड टाइम है, तो कैसा रैपो शेयर कर दिया? वेल लवली सिंह इज ऑलवेज बिन फैमिली क्लोज फ्रेंड तो रहे ही है, लेकिन उनके साथ मैंने फिल्म बनाई है क्या लव स्टोरी है पहले, विच वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. द फिल्म मे नॉट हैव डन सुपर वेल लाइक वी थॉट, बट इट वॉज सो मच फन. हम लोग अभी भी याद करते हैं द ग्रेट टाइम वी हैड ऑन सेट. एंड वेन ही केम टू मी कि एक म्यूजिक वीडियो है तो ऑब्वियसली आई वॉज इंटरेस्टेड टू हियर क्योंकि मैं उनको जानती हूँ. एंड He's really, really done so well. इतना अच्छा काम किया है and he's made a great video. मैम ऐसा क्या एक फैक्टर था जिसके लिए आपने ये वीडियो के लिए हाँ बोला, ऐसा कमबैक ऑफ है? I think first of all because it was lovely, I was interested to hear ki kya hai. Then of course pura project, you know, it's always a combination. Jaise singer gana bhi bahut hi badhiya hai, fir concept bahut hi alag hai music video ke liye, which was very interesting to me. Cinematographers Dudley has done such a great job and I think the whole concept jo old Bombay mein, you know, south Bombay mein shoot kiya gaya hai, it has that feel jo bahut hi larger than life hai. So hum log excited the ki hum log ek shayad trend start kar sakte hai ki like almost a small movie look for a music video, you know, and I think it's really happened. But nowadays B-Town celeb apne apne gaane ga rahe hain, jaise Salman sir ho chuke hain, Priyanka Chopra, to future mein aapko bhi dekh sakenge as a singer? I'm such a bad singer, please, agar main bolungi bhi na in the future ki main gaana chahti hu, aap log mujhe remind kariye ki Aisha you can't sing, kyunki sachi I'm really terrible. मेरा वॉइस इज नॉट फॉर सिंगिंग. सो म्यूजिक वीडियो तो ठीक है, फिल्म में गाने लिप सिंक कर सकते हो. बॉलीवुड में देखा कि आप नेपोटिज्म के बारे में बहुत बात चल रही है और यू आर फ्रॉम अ नॉट बैकग्राउंड, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यू नो मैं पहले से एकदम ही नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरा कोई फिल्म रिलेशन दूर दूर तक नहीं है. बट आई हैव बीन सो लवलीली एक्सेप्टेड, आई मस्ट से आई हैव बीन लकी एंड आई हैव जस्ट लक्ड आउट कि पहले से ही जब मैं 16 साल की थी तभी मैंने फर्स्ट फिल्म सोचा ना था, साइन की थी विद मिस्टर सनी देओल्स प्रोडक्शन और वो इतने ऑब्वियसली सीनियर एक्टर तब से ही पहले से ही थे, बट तभी भी थे. एंड फॉर हिम टू हायर मी इतना फेथ था उनमें कि मैं इम्तियाज़ अब है, हम सब एक इंटरेस्टिंग फिल्म बनाएंगे. फ्रॉम दैट टाइम पीपल हैव जस्ट बिन लवली टू मी. आफ्टर दैट ऑल्सो आई गॉट आई साइन टार्जन जो अब्बास मस्तान की फिल्म थी. एंड सो वन आफ्टर द अदर डायरेक्टर्स लाइक देन डेविड धवन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो हर डायरेक्टर जो है विच हैज़ वर्क विद ऑल काइंड ऑफ एक्टर्स हैज शोन मी सो मच अप्रिसिएशन एंड वर्क विद मी. सो मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, आई हैव बिन वेरी वेरी लकी. ऑफकोर्स एवरीबडीज एक्सपीरियंसिस आर डिफरेंट, तो हर एक के साथ अलग होता है, बट विद मी इट्स बिन रियली ग्रेट. मैम GST लागू हुई है हमारे इंडस्ट्री में, जैसे देखा जाए तो हर ईयर बहुत सारे मूवी रिलीज होते हैं पर तो भी एज अ पायरेसी के वजह से बहुत सारे लॉस होते हैं, उसके ऊपर GST लागू हुए. अमिताभ सर ने वहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आई डोंट नो रियली व्हाट टू से अबाउट इट ऑनेस्टली. आई थिंक दैट जो भी हो रहा है सही होता होगा.
ओके इंडिया पाकिस्तान की मैच थी कर, देखा जाए तो हम लोग शूट कर रहे थे और शूट सब लोग ने बोला शूटिंग फटाफट करो, मैच देखने जाना है, मैच देखने जाना है. बेचारे बहुत एक्साइटेड में गए थे और इंडिया लॉस हार चुकी है, पर देखा जाए तो हारते तो बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, और हारने के बाद तो स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाते, पत्थरबाजी घर पे ये बहुत सारे होते, तो उसके ऊपर थोड़ा आप कुछ कह रहे थे. आई डोंट नो, आप मुझे ऐसे सब टॉपिक्स पे पूछ रहे हो, बट आई थिंक दैट दिस एवरीबॉडी मस्ट बी डूइंग देयर बेस्ट, यू नो. आई मीन इट्स स्पोर्ट्स, समटाइम्स यू विन समटाइम्स यू लूज आई गेस, एंड ऑब्वियसली आप इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पीपल विल बी यू नो रियली रूटिंग फॉर देयर कंट्री, रियली गटेड अगर आप लूज करोगे. सो इट्स इट्स जस्ट इमोशन, यू नो, इट्स इमोशन, सो मच इमोशन अटैच टू द स्पोर्ट्स मैन, टू द स्पोर्ट, टू योर कंट्री, एंड यू वॉन्ट टू ऑब्वियसली विन एंड डू वेल. जैसे टाइटल सजेस्ट करता है, कॉमेडी है और कुंफू है, तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. आई थिंक फॉर अ कमबैक दैट्स अ वेरी क्यूट फिल्म, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सलमान सर के साथ आपने काम किया तो सर की ट्यूबलाइट मूवी आ रही है, तो एक्साइटेड है आप देखने के लिए. हां, गुड लक, आई एम हैप्पी फॉर हिम, गुड लक. एनीथिंग यू लाइक टू शेयर टू योर फैंस? जस्ट थैंक यू, इतना आप लोगों ने सपोर्ट किया है, और ये म्यूजिक वीडियो को और भी देखिए, लाइक करिए, प्रमोट करिए, बिकॉज इट्स रियली बीन ओवरवेलमिंग द सपोर्ट, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.